अस्सलाम वालेकुम, मुझे फसी खान कहते हैं और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फसी दुबई दुबई। आप सब लोगों को अपने चैनल पे एक नई वीडियो के साथ वेलकम करता हूँ। आज की वीडियो है वो मेरे लिए भी बहुत एक्साइटिंग है और आप लोगों के लिए भी होने वाली है, क्योंकि इस तरह की वीडियो हमारे चैनल पे पहले मैंने कभी नहीं डाली, न इस तरह की कभी हमने डिस्कशन की है, न इस तरह का हमारा कोई फॉलोअप रहा है चीज़ों के साथ, न क्लाइंट रहा है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, करियर चेंजिंग वीडियो है, आपको एक एडवाइस है, ठीक है। आज मैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी डिस्कस कर रहा था कि हमारे टाइम पे इस तरह की सजेशंस हमें किसी ने नहीं दी। काफ़ी सारे लोग कर रहे होंगे या उन्होंने किया होगा, बट जो मैं अगर जाती अपनी बात करूं तो हमें गाइड करने वाला और हमें बताने वाला कोई नहीं था। बात है स्टूडेंट वीज़ा की और कंट्री है टर्की, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन दबाएँ, सो दैट आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। तो अगर आपको स्टूडेंट वीज़ा चाहिए और अगर स्टूडेंट वीज़ा नहीं अगर चाहिए, अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, इंडिया से, पाकिस्तान से, नेपाल से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, जिन जिनको हमारी लैंग्वेज समझ आती है, और आप बाहर ग्रूम करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ढेर सारी और कंट्रीज़ भी हो सकती हैं, बट मैं जस्ट आज की वीडियो में बात करूँगा टर्की की। तो आप टर्की स्टूडेंट वीज़ा पर जा सकते हैं, टर्की स्टडी पर्पस के लिए जा सकते हैं, क्योंकि उनका स्टूडेंट वीज़ा नहीं होता, वीज़ा वही रहता है। रेजिडेंसी वही रहती है जिसको TRC बोलते हैं, जो रेड कार्ड होता है, बट साथ में आपको वहाँ पे आप स्टडी कर रहे होते हैं। अब इसमें ख़र्चा कितना आएगा और इसमें फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है? नुकसान तो पहली बात है कोई नहीं है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप साथ में जॉब भी कर सकते हैं टर्की में, तकरीबन 1000 से 1500 टर्किश लेरा तक जॉब कर सकते हैं, जो आपके मंथली एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए काफ़ी है। और इस पर तकरीबन टोटल स्टडी पे कोई भी आपका जो डिग्री होती है 2 ईयर्स की, जो मास्टर डिग्री होती है या जो ग्रेजुएशन 4 ईयर्स की होती है, इस पर तकरीबन आइडियली आ जाता खर्चा तकरीबन 3 से 6, 6.5 हज़ार $ तक, ठीक है। ये खर्चा आ जाता है स्टडी पर्पज़ और जो कोर्सेज़ होते हैं, बाकी आपको जो पर मंथ का लिविंग है और जो एक्सपेंसेस है वो तकरीबन टर्की में आ जाता है 700 से 800 टर्किश लेरे तक, जो कि आप जॉब करके कमा सकते हैं। अब इसमें फ़ायदा क्या है? इसमें फ़ायदा ये है कि अगर आप टर्की में इनरोल होते हैं किसी यूनिवर्सिटी में, तो आप बाद में क्रेडिट आर्ट्स भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कहाँ पर, यूरोप में भी कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में कर सकते हैं, न्यूजीलैंड, कैनेडा, अमेरिका, ठीक है। उसका एक प्रोसेस होता है, प्रोसीजर होता है, उसके थ्रू आप वहाँ पर भी अपने क्रेडिट आर्ट्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं। प्लस अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो आप स्कॉलरशिप भी ले सकते हैं और आप बाद में अपनी फीसेस कम भी करा सकते हैं। और अगर आप वहाँ पे स्टूडेंट हैं और आपको, क्योंकि आपने साथ साथ में अपना थोड़ा बहुत अपना बैंक बैलेंस और बैंक स्टेटमेंट तो मेंटेन करनी है, तो आप इजीली शेंजन जा सकते हैं। शेंजन स्टेट्स जो हैं 26-28 स्टेट्स, और अमेरिका विज़िट कर सकते हैं, कैनेडा विज़िट कर सकते हैं, यानी कि और कंट्रीज़ में आपको विज़िट करने का चांस ज़्यादा हो जाता है, क्यों इंटर यूनिवर्सिटीज़ कंपटीशंस होते हैं, इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशंस होते हैं, एग्जीबिशंस होते हैं, उसमें पर्पज़ ऑफ ट्रैवल बहुत ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, अब सीन क्या है कि लेट्स सपोज एक पाकिस्तानी एक बंदे की बात करते हैं, पाकिस्तानी तकरीबन लगाता है 4 से 5 लाख यूजुअली जब बाहर जाता है, कहाँ, दुबई, सिक्योरिटी गार्ड की वीज़ा पे लगाता है या XYZ कोई भी इस तरह की कोई किसी वीज़ा पे लगाता है, जिसमें एक तो वो सिक्योरिटी गार्ड ही रहता है सारी ज़िंदगी, और सारी ज़िंदगी दुबई में ही रहता है, ठीक है। मुझे भी काफ़ी सारे सिक्योरिटी गार्ड कांटेक्ट कर रहे होते हैं कि मुझे यूरोप जाना है या अमेरिका जाना है और मैं पिछले 5-6 साल से जॉब कर रहा हूँ और यहाँ पे हूँ, तो वो लोग, अच्छा दूसरी इसमें बात यह आ जाती है कि जो लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं वो ज़्यादातर इतने एजुकेटेड नहीं होते या स्टडी रोक चुके होते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो मैट्रिक हैं, जो FA हैं, जो ग्रेजुएशन के लिए अब आगे जाना चाहते हैं या जो मास्टर के लिए आगे जाना चाहते हैं, तो वो लोग आगे बढ़ सकते हैं, आगे जा सकते हैं, ठीक है, और स्टडी कर सकते हैं, कमा सकते हैं। यही 4-5 लाख अगर आप लगाते हो अपने स्टूडेंट पर्पस के लिए, तो आप आगे और ग्रो कर सकते हैं और लाइफ को एक एम बना लें, कि ऐसा नहीं है कि आप, मुझे अक्सर लोग कांटेक्ट करते हैं मुझे अगले महीने पाकिस्तान से जाना है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आप जितना जल्दी चीज़ों में करोगे ना, उतना जल्दी आप ट्रैप होगे, उतना जल्दी आप फेलियर होगे। एनीवे, थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ये एक जस्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो थी। अगर इस पर आप और वीडियोस देखना चाहते हैं, नीचे कमेंट करें, मुझे व्हाट्सअप करें, व्हाट्सअप नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा। या अगर आपको सर्विस चाहिए विजिट वीज़ा की, TRC की, या स्टूडेंट पर्पज़ के लिए अगर आप जाना चाह रहे हैं और जॉब पर्पज़ के लिए जाना चाह रहे हैं टर्की, तो भी मैं उसमें हेल्प करता हूँ। नीचे व्हाट्सअप नंबर गिवन होगा, उस पर कॉन्टैक्ट करें और उस पर फर्दर वीडियोज़ बन सकती है। मैं डिटेल्स में साथ साथ में यूनिवर्सिटीज़ का कंपैरिजन करके बताता रहूँगा और डिफरेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा।
अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें, मिलते हैं किसी और टाइम एक और वीडियो के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।